अमरीका की 247वीं यौम आजादी की तकरीब कराची में मनाई गई। सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। एक साल में अमरीकी इन्वेस्टमेंट में 50% इजाफा हुआ। अमरीकी यौम आजादी की तकरीब से खिताब करते हुए सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था, पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम करना उनके लिए एजाज की बात है। अमरीका और पाकिस्तान में बहुत कुछ मुश्तरक है, दोनों मुल्कों ने मिलकर कामयाबियां हासिल की। इस मौके पर अमरीकी सफीर ने वजीर आला सिंध से मुलाकात भी की। इक्तिसादी शराकत दारी को वसत देने के मौके पर तबादला ख्याल भी किया गया। डोनाल्ड ब्लूम ने ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर का दौरा भी किया। दौरे कराची के दौरान पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मशक का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने तकरीर के दौरान कहा, तिजारत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, इलाकाई सलामती में तआवुन को बढ़ाया जा सकता है। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी बिजनेस काउंसिल और दीगर सनअती रहनुमाओं से भी तबादला ख्याल किया।